एक औरत मर गई, उसका जनाजा जा रहा था। जनाजे के आगे एक कुत्ता और पीछे लंबी सी आदमियों की लाइन लगी हुई थी। एक आदमी ने पूछा, ये क्या, जनाजे के आगे कुत्ता? शौहर, इस कुत्ते ने मेरी बीवी को काट लिया और वो मर गई। आदमी, ये कुत्ता मुझे दे दो एक दिन के लिए। शौहर, तुम क्या समझ रहे हो, ये सब मेरी बीवी के जनाजे में आए हैं, ये भी कुत्ता लेने आए हैं, चलो लाइन में। बीवी सुबह शौहर को फजर की नमाज के लिए उठा रही थी। बीवी, उठे नमाज पढ़ लें, फजर का वक्त निकला जा रहा है। शौहर, नींद आ रही है, कज़ा पढ़ लूँगा। बीवी, शरीयत कज़ा नमाज से मना करती है। शौहर, शरीयत तो मर्द को चार शादियों की इजाज़त भी देती है। बीवी, सो जाएं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। आधी रात को गली में शोर सुनकर शौहर की आँख खुली। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों। उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर शौहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, सुने बाहर क्या हुआ है? शौहर, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन होने वाला था। डॉक्टर साहब खुद ही ऑपरेशन करने लगे। उनकी मदद के लिए दो नर्सें भी ऑपरेशन थिएटर में थीं। डॉक्टर ने बीवी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश की, मगर बीवी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करना चाहा, लेकिन उसके बावजूद बेहोश नहीं हुई। ये देखकर डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। अपने शौहर डॉक्टर को परेशान होते देखकर बीवी ने दोनों नर्सों की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले इन दोनों चुड़ैलों को निकालो, जब तक ये दोनों तुम्हारे साथ होंगी मैं कभी बेहोश नहीं होंगी। शौहर ने बीवी से पूछा, तुमने मुझमें ऐसा क्या देखा कि तुम फौरन शादी के लिए तैयार हो गई? बीवी, जी मैंने एक दो बार आपको खिड़की से बर्तन धोते हुए देखा था। रियाज साहब को अखबार में एक आर्टिकल नज़र आया, बीवी को काबू में कैसे रखें। इतनी खुशी हुई कि धड़कन बढ़ गई। पूरा आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ लिया। लिखा था, सुबह टहलने जाएं, ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, गुस्सा ना करें, खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराएं, वगैरह वगैरह। बाद में फिर से उन्वान पढ़ा, दिमाग ख़राब हो गया। लिखा था, बीपी को काबू में कैसे रखें। अब कल रियाज साहब को आंखें चेक कराने जाना है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से जिसकी नई नई शादी हुई थी पूछा, क्यों यार शादी से खुश तो हो ना? हाँ भाई, बड़ा खुश हूँ, बड़ा आराम हो गया है हर चीज़ का। वक्त पर उठ जाता हूँ, वक्त पर नाश्ता करता हूँ, दफ्तर से देर भी नहीं होती, वक्त पर कपड़े इस्त्री होते हैं, घर साफ सुथरा रहता है, खाने पीने के औकात भी सही हैं और सेहत भी ठीक रहती है। चलो यार, बड़े खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिल गई जो तुम्हारे सारे काम करती है। नहीं नहीं, सारे काम तो मैं खुद करता हूँ, बस बेगम ने हर काम का वक्त मुकर्रर कर दिया है और बड़ी सख्ती से अमल करवाती है। दोस्त ने जवाब दिया,